चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बढ़ता भय खात्मा तय। जी हाँ, क्योंकि आदमखोरों के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब नई रणनीति तैयार की गई है, नई प्लानिंग बनाई गई है। उसके तहत 18 शूटर्स को तैनात कर दिया गया है, उस जगह तैनात किया गया है जहां पर आदमखोरों का जो आतंक है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो लगातार देखिए नई रणनीति बनाई जा रही है, नई प्लानिंग हो रही है और इसके मुताबिक अब यानी कि शूटर्स को यह कह दिया गया है कि पहले आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, अगर ये आदमखोर पकड़े नहीं जाते हैं तो आप उन्हें मार दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। क्योंकि आदमखोर जो है वो एक के बाद एक हमले करते हुए इंसानों पर नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि अब मवेशियों को भी ये निशाना बना रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि जो ये भेड़िये हैं वो कैमरे में कैद तो हो रहे हैं लेकिन अब तक वन विभाग के हाथ नहीं चढ़े हैं, यानी कि पकड़ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही है, पिंजरे लगाए गए हैं, जाल बिछाए गए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि लगातार ये तैयारी हो रही है कि अब पिंजरों की संख्या भी बढ़ा दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये भेड़िये हैं, जो बाघ हैं, जो सियार हैं, वो पकड़ के बाहर हैं। और ऐसे में अब नई तैयारी के तहत यानी कि शूटर्स की तैनाती कर दी गई है। बहराइच में 9 शूटर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग टीम बनाई गई है और यह कह दिया गया है कि आप जो है इन्हें शूट कर दीजिए, इन्हें मार दीजिए, क्योंकि इंसानों की जान सबसे ज्यादा कीमती है और इंसानों पर जिस तरीके से ये अटैक कर रहे हैं वो चिंता का विषय। और इसी के तहत अब लगातार देखिए नई प्लानिंग को बनाया गया और शूटर्स को तैनात कर दिया गया है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कैमरे में ये जो भेड़िये हैं वो कैद हो रहे हैं लेकिन पकड़ के बाहर हैं। लेकिन कैसे अब आदमखोरों के आतंक को कम करने के लिए प्लानिंग की गई है और क्या तैयारियां बनाई की गई है, इसके अलावा शूटर्स को कहां कहां किस तरीके से तैनात किया गया है, एक आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िये की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बहराइच के 52 से ज्यादा गांव में खौफ का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों का सरदार अगले शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती के आसपास भटक रहा है। भूख से बेहाल उस आदमखोर लंगड़े भेड़िये की तस्वीर हमने आपको पहली बार दिखाई और अब रिपब्लिक भारत पर आदमखोरों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बहराइच को भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए भेड़ियों के शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने वन विभाग को पहले ही भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बार आदेश क्लियर है कि अगर भेड़िया न पकड़ा जाए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए और इसके लिए बकायदा अब 18 शूटर्स को भी तैनात किया जा रहा है। भेड़िया लंबे से शुरू हुई जवानी पे समय से शांत रहता, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िये पकड़े गए और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002-2004 में और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंट हुआ था, अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िये हैं जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहे, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। दरअसल बहराइच के 52 गांव में जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक फैला है और आदमखोर भेड़ियों ने जिस बेदर्दी से 10 इंसानों को अपना निवाला बनाया है, उसने बहराइच में रहने वाले करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को दहशत के ऐसे माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है जहां लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों का काम धाम ठप पड़ गया है और मासूम बच्चे 24 घंटे घरों में कैद हैं।
लेकिन वन विभाग न तो आदमखोरों को पकड़ पा रहा है और न ही भेड़िए जाल में ही फंस पा रहे हैं। मैं बहराइच के उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर आदमखोर भेड़ियों का कहर है, भेड़ियों का आतंक है। लेकिन यहां की जो स्थिति है वह यह है कि दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो सड़क है जो बहराइच शहर से होकर इन गांवों तक पहुंचती है, यह काली सड़क है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई इंसान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि आखिर यह कौन सा समय आ गया है, क्या वो फिर से कोरोना काल लौट आया है जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। आप देखिए ये खेत है, इन खेतों में जहां कभी किसान दो चार की संख्या में खड़े ही होते थे, रहते ही रहते थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे, एक भी ग्रामीणों किसान नहीं देख रहे। आप देखिए गन्ने की खेती, वो धान की खेती है, चारों तरफ खेती है, दूर दूर तक देखिए तो सन्नाटा ही सन्नाटा है, कहीं कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, एक भी गाँव वाला नहीं दिख रहा, एक भी ग्रामीण नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और मेरी टीम है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वन विभाग बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन भेड़ियों का सरदार लंगड़ा इतना शातिर है कि वो वन विभाग के बिछाए जाल में फंसना तो दूर, वन विभाग के अफसर उसकी एक झलक देख तक नहीं पा रहे हैं। वो हर बार इंसानी ट्रैप को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। लंगड़े जंगली जानवर की तलाश वन विभाग को थी। यहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी गश्त लगा रही थी, लगभग 40 गांवों में यूपी पुलिस पहरा दे रही थी। वन विभाग के 200 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, वाइल्ड लाइफ की एक्सपर्ट टीम भी थी, ट्रंगलाइज करने वाले सदस्य भी यहां पर मौजूद थे, ग्रामीण भी लगातार गश्त कर रहे थे, स्थानीय विधायक भी पहरा दे रहे थे, लेकिन लंगड़ा भेड़िया किसी को नहीं दिखा। कुल मिलाकर इंसानों को चैलेंज देने वाले आदमखोर भेड़िए अब यूपी में वांटेड करार दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इंसानी कानून के मुताबिक उन्हें जीने का एक और मौका देने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि इंसानों के लिए खतरा बने आदमखोर भेड़िए के हिस्से क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए भारत गांव का देश है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो भेड़ियों को के और बाघों के यानी कि आदमखोरों की दहशत में मजबूर है जीने के लिए। आपको बता दें कि यूपी के कौन कौन से ऐसे गांव हैं, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं जहां पर ये दहशत फैली हुई है। बहराइच सबसे पहले, जहां पर भेड़ियों का आतंक देखा गया था, मासूम बच्चों को अपना निवाला इन्होंने बनाया, शिकार अपना बनाया, फिर उसके बाद बाराबंकी यानी कि इनका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। सीतापुर की अगर बात करें तो यहां पर भेड़ियों का आतंक तो है ही, बल्कि बाघ का आतंक भी देखा जा रहा है। लखीमपुर की बात करें तो वहां पर भी बाघ का आतंक देखा जा रहा है। मैप के जरिए आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ये लोग अपना जो शिकार का एरिया है वो बढ़ा रहे हैं। गोंडा में भी इनकी दहशत है। पीलीभीत की अगर बात करें तो वहां पर भी यही देखा जा रहा है। कौशाम्बी में भी भेड़िए लगातार अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। जौनपुर की अगर बात करें तो वहां पर भी इनका आतंक देखा जा रहा है। इन आदमखोरों को सुल्तानपुर में भी देखा गया है। लगातार वन विभाग की टीम जो है वो अपना ऑपरेशन चला रही है और इसको अपनी टीम को तीन भागों में इन्होंने बांटा है, जिसमें से एक भाग को आपको बता दें कि किस तरीके से रिजर्व में रखा गया है। लेकिन लगातार तलाश जारी है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में वो लंगड़ा भेड़िया कैद हो गया, लेकिन वन विभाग की टीम से इस समय कोसों दूर है, अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है और सीधे मीनाक्षी के पास चलेंगे। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, हर रोज वही सवाल कि आखिर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी भी वन विभाग की टीम से भले ही कितनी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कोसों दूर है बाघ भी और भेड़िए भी। बिल्कुल, देखिए चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, भेड़िया हो या फिर बाघ हो या फिर तेंदुआ हो, ये ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत तेजी से चलते हैं, बहुत